कपड़े धोने के लिए भी कोई इंसान मौजूद नहीं है। होटल के रेस्टोरेंट में सिर्फ ऑटोमेट्स होते हैं। आप बिना किसी से बात किए ऑटोमेट्स से चप्पल और पजामा भी खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि लॉन्ड्री भी ऑटोमेट्स द्वारा ही की जाती है। कि जापान के एक डिस्ट्रिक्ट में एक रोबोट होटल में हम देख सकते हैं कि भविष्य के कुछ हिस्से कैसे होंगे। टोक्यो की एक रोबोट होटल जहां पर रिसेप्शन, रेस्टोरेंट और अन्य जगह कहीं पर भी लोग काम नहीं करते हैं, रोबोट्स ही पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। रिसेप्शन में चेक इन करने के लिए सबसे पहले हम मेल रोबोट के पास गए जो हमारे सबसे करीब था। जैसे ही फीमेल रोबोट ने हमें बुलाया, हम उसकी तरफ गए। Welcome to Hana Hotel. Please use the touch panel to select your language. Please scan your passport page with your picture on the device. रोबोट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने अपने पासपोर्ट स्कैन किए, डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया और फिर रोबोट ने हमें ग्रीट किया और हमारी जानकारी लेने के बाद हमें पेइंग मशीन की तरफ इशारा किया। हम इस मशीन के जरिए अपने आप ही भुगतान कर रहे हैं, इसमें कोई भी इंसान शामिल नहीं है। जापानी कल्चर में झुककर ग्रीट करना बहुत ही आम बात है। आखिरी बार एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद हम रिसेप्शन से चले गए। देखो वहाँ पर कुछ है। जैसा कि लिफ्ट में लगे हुए इन्फॉर्मेशन सेंटर से पता चलता है कि इस होटल में खाना बनाने या कपड़े धोने के लिए भी कोई इंसान मौजूद नहीं है। होटल के रेस्टोरेंट में सिर्फ ऑटोमेट्स होते हैं। आप बिना किसी से बात किए ऑटोमेट्स से चप्पल और पजामा भी खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि लॉन्ड्री भी ऑटोमेट्स द्वारा ही की जाती है। फेस रिकॉग्निशन की मदद से कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुलता है। कमरे के अंदर जाते ही टेलीविजन अपने आप ही चालू हो गया और एसी भी अपने आप चालू हो गया। यहाँ एक कैबिनेट है, वो क्या है? इस कमरे का एक फीचर जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा वो है वार्डरोब, जहाँ हम अपने कपड़े रखते हैं। ये उन कपड़ों को ऑटोमेटिकली साफ और इस्त्री दोनों कर देता है। अंदर बनने वाली स्टीम, हॉट एयर फ्लो और एक मिनट में 180 बार घूमने वाले हैंगर की मदद से हमारे कपड़े कुछ घंटों में ही तैयार हो जाते हैं। मैं अपना स्वेटर यहाँ पर रख रही हूँ, इसमें बहुत सलसल है। इन फिल्टर्स की मदद से अंदर एयर फ्लो होगा। हम देखेंगे कि ये सुबह तक इस्त्री हो पाता है या नहीं। हमारे बगल में ही एक स्मार्ट टेलीफोन और कमरे को कंट्रोल करने के लिए सीरी जैसा एआई रखा गया है। टीवी बंद हो गया, मैं अब इसे चालू कर रही हूँ। इससे चैनल बदलता है। इस पर एसी के टेम्परेचर को बदलने के लिए भी बटन है। चलिए इसे 22 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं। लाइट्स, क्योंकि मैंने लाइट्स बंद कर दी है इसलिए अब सोने का समय हो गया है। अगले दिन रोबोट्स ने खिड़कियों और फर्श को साफ किया और हमने ये भी जाना कि रोबोट सामान भी उठाते हैं। काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को बचाने के लिए जापान पहले से ही आधे मिलियन से भी ज्यादा रोबोट्स वर्कर्स को एम्प्लॉय कर चुका है। ये सभी देशों के बीच कायम किया गया बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उनकी बड़ी कंपनियों ने अगले 10 वर्षों में इसे 1 मिलियन से ज्यादा करने का गोल सेट किया है। टोक्यो में कई सारी जगहों पर रोबोट्स काम करते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में और बैंकों में। इस रोबोट का नाम पेपर है। ये कैसे काम करता है? ओह, क्या ये हमारी बातें समझ पा रहा है? जैसे लोग इसके साथ बर्ताव करते हैं, ये भी ठीक उसी तरह उनके साथ बर्ताव करता है। इसलिए अगर आप उसके सामने गुस्से में आएंगे तो वो भी आपके साथ गुस्से से ही बर्ताव करेगा। जब वो पहली बार किसी से मिलता है तो वो शर्माता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी भावनाओं में बदलाव उस व्यक्ति के बर्ताव के अनुसार अच्छे या बुरे रूप में देखा जा सकता है। जब बाकी लोग डिजाइन कर रहे थे कि हमारा भविष्य कैसा दिख सकता है, तब तक जापान उन सब से आगे भी निकल चुका था। इसलिए हमने टोक्यो में एक रोबोट फेयर में हिस्सा लिया ताकि हम आपको दिखा सकें कि कैसे कुछ कामों को सिर्फ रोबोट्स ही संभालेंगे। रोबोट जो एयर प्रेशर की मदद से बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, वे बड़े बड़े पैकेज भी उठा सकते हैं। ये इन सिलिकॉन्स के जरिए हवा को वैक्यूम करता है। ये सामान को उठा भी सकता है और नीचे भी रख सकता है। ये सच में बहुत भारी है। लोग रोबोटिक आर्म्स की मदद से ऐसे काम भी कर सकते हैं जो करने के लिए उनमें पर्याप्त शक्ति नहीं है। ये 13 किलो या 28 पाउंड का है। क्योंकि हमने रोबोट के पावर से फायदा पहुंचने की बात की थी, यहाँ एक व्यक्ति है जो रोबोट की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो अपने बाएं हाथ से उसके बाएं हाथ को कंट्रोल कर रहा है और दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे रोबोटिक आर्म्स भी हैं जो कैरी करने वाले बैंड पर भी कैप लगाते हैं। रोबोटिक आर्म्स जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और इंसानी हाथों की तुलना में तेजी से काम करते हैं। ये उन सभी को एक ही ऑर्डर में रख रहा है।
देखिए कितना कम गैप है, बिल्कुल ना के बराबर। ये इस बात का एक और सबूत है कि वे कितने परफेक्ट और फास्ट हैं। ये एक सिस्टमैटिक टीम वर्क की तरह, जहाँ एक रोबोट छोटे सफेद बॉक्स को बैंड पर रखता है, वहीं दूसरा उन्हें एक बड़े बॉक्स में रखता है और भरे हुए बड़े बॉक्सेस को उनकी सही जगह पर लेकर जाता है। अच्छा, तो बड़ा बॉक्स आता कहाँ से है? पीछे मौजूद एक रोबोट बॉक्स बनाता है और उन्हें बैंड की मदद से दूसरे रोबोट तक पहुँचाता है। वे बिना थके काम कर रहे हैं, उनमें से कई तो इंसानों से भी ज्यादा तेज काम करते हैं। इसकी पकड़ वाकई में बहुत मजबूत है। और ये रोबोट अपनी काबिले तारीफ क्षमता की मदद से सर्कल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें से स्टिक निकालता है। ये सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए ही है। एक ऐसा रोबोट जो हेल्थ सेक्टर में काम करने के भी काबिल है। यहाँ पर देखकर हमें पता चलता है कि जो भी काम इंसान करते हैं उन्हें रोबोट्स द्वारा भी किया जा सकता है। ये वे रोबोट थे जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है। कैन मैकेनिकल इंटेलिजेंस के भी कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने मनुष्य की तरह समझ हासिल कर ली है। इसी बात का जवाब ढूंढने हम सबसे बड़े साइटेक म्यूजियम मिराइकन गए। रास्ते में हम बेशक एक रोबोट कैफे में रुके। यहाँ कोई भी इंसान नहीं है जो कॉफी सर्व करता हो। रोबोट कप लेगा और उसमें कॉफी डालेगा। कैफे के पास रोबोटिक डॉग्स भी थे। His name Ivo. Strong head and cool and back. So happy. क्या मैं इसे पकड़ सकती हूँ? Okay. मिराइकन की एग्जीबिशन दर्शाती है कि भविष्य में इंसान रोबोट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड मॉडल, रोबोट बटरफ्लाइज, रोबोट इकोसिस्टम, अपने आर्टिफिशियल लिम्स और सिलिकॉन की स्किन्स के साथ बिल्कुल एक मनुष्य की तरह। ये रोबोट्स एक मशीन और एक मनुष्य के बीच की समानता दर्शाते हैं। जब कोई इस रोबोट से मिलता है तो उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे वो कमरे में एक इंसान के साथ बैठा हो और एक इंसान को देख रहा हो। ये एक एलिनॉइड है, ये एक छोटे मनुष्य के बच्चे की तरह। इसका मकसद रोबोट और इंसानों के बीच बातचीत को बेहतर बनाना है। अन्य बेबी रोबोट्स कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। सिलिकॉन की स्किन के नीचे रोबोट का असली शरीर इस तरह दिखाई देता है। इस रोबोट का चेहरा काफी हद तक इंसानों जैसा दिखता है और ये हमें पूरी तरह से चौंका देता है। हम उसके चेहरे को देखकर इसे भावनाओं वाला इंसान समझकर आसानी से धोखा खा सकते हैं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम रोबोट हो या इंसान? मैं एक रोबोट हूँ। तुम बिल्कुल इंसान की तरह लगती हो। हाँ, मुझे इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? नहीं। क्यों? मुझे इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 2 साल है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी लड़की जैसी नहीं है। हाँ, शायद मेरी प्रोग्रामिंग में कोई खराबी है। हाँ, शायद कोई तकनीकी खराबी है। हाँ? तुम्हारी आंखें बहुत लाल दिखाई दे रही हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम मुझे इधर उधर होते देख सकती हो? तुम बिल्कुल इंसानों की तरह हो। तुम किस देश से हो? जापान। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि लोग हर रोज तुम्हें यहाँ देखने आते हैं? नहीं, मुझे अजीब नहीं लगा बल्कि मुझे खुशी मिलती है। तुम सारा दिन यहीं बैठकर लोगों से बातें करती हो? हाँ, मैं पूरे दिन यहीं रहती हूँ और लोगों से बातें करती हूँ। इस सिस्टम को ऑटो न्यूरॉइड कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये लड़की एक समझ वाले रोबोट से बात कर रही थी, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले मैंने कंट्रोल रूम में प्रवेश किया और रोबोट के मुंह की नकल, गर्दन की हरकत और आवाज सहित हर चीज को दूर से ही कंट्रोल किया। मैं अपनी गर्दन को बाएं से दाएं घुमाने जा रहा हूं। ये रहा हमारा कैमरामैन दोस्त। हेलो, इसका नाम पारो है। एक रोबोटिक एलिफेंट सील जिसका इस्तेमाल ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए किया जाता है। फिर हमने मशहूर रोबोट असीमो का शो देखा।
ये 5.6 मील प्रति घंटे की स्पीड के साथ प्लेटफॉर्म पर अपना बैलेंस बनाए हुए तेजी से दौड़ रहा था। इसने हमें बताया कि हमने पृथ्वी को कैसे प्रदूषित किया। एक पैर पर कूदा, गाना गाया और एक पॉइंट पर रखी गई बॉल पर पीछे कदम लेकर शॉट लिया। ये शो वास्तव में मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मैंने जो इसके बारे में रिसर्च की थी और जो वीडियो मैंने देखे थे वे मेरी उम्मीदों को बढ़ा रहे थे। असीमो जितना दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। अपनी आंखों में कैमरे लगाकर ये उन लोगों को पहचानता है जो पहले से इसकी मेमोरी में सेव किए गए हैं और उन्हें उनके नाम से पुकारता है। जब कोई भी उससे बात करता है तो वो उस व्यक्ति की तरफ मुड़ता है और कम शब्दों में बात करता है। जब उसके सामने कोई बाधा या कोई व्यक्ति आता है तो वो अपनी दिशा बदल देता है। जब कोई उसके साथ हाथ मिलाता है तो वो भी हाथ मिलाता है। वो एकदम सही ढंग से अपनी उंगलियों और हाथों का इस्तेमाल करता है। शो खत्म हो जाने के बाद और लोगों के चले जाने के बाद हमने देखा कि अटेंडेंट्स ब्लैक स्पॉट्स को कवर कर रहे थे। असीमो की हर चाल को पहले से ही प्रोग्राम किया गया था। रोबोट अपने आप ही नहीं चल रहा था। उसके बाद हम वापस रोबोट होटल आ गए।